श्रीगंगानगर के जवाहरनगर एरिया में 3 साल पहले हुई हत्या के मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2 ने फैसला सुनाते हुए हत्या के आरोपी रणवीर सेठी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक मामला जून 2015 का है, जब आरोपी रणवीर सेठी ने रेशम सिंह नामक व्यक्ति को पार्टी करने के बहाने अपने घर बुलाया और देर रात को उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने रेशम सिंह की पत्नी चरणजीत कौर की रिपोर्ट पर हत्या के आरोप में जवाहरनगर थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू करवाई थी, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। चरणजीत कौर इसने थाना जवाहर नगर में ये दरख्वास्त दी कि मेरे पति रेशम सिंह का 12 तारीख रात को 8 बजे फोन आया कि रणवीर सेठ उर्फ सेठी जो मुलजम है इस केस के अंदर, उसने उसको अपने घर पे पार्टी पे बुलाया। तो इस पर ये रेशम सिंह उसे घर पर चला गया और रात को 11 बजे उसने मोबाइल से फिर फ़ोन किया तो उसने कहा मैं रणवीर सेठी घर पर हूँ और खाना खा रहा हूँ और तुम खाना खा के सो जाओ, मैं अपने घर आ जाऊँगा। 13 तारीख को सुबह गंगानगर से जवाहरनगर पुलिस वहाँ जाती है रावला के अंदर और इसको बताया कि तेरे पति रेशम सिंह का रणवीर सेठी ने उसका कापे से हत्या कर दी है और उसने अपनी पत्नी के भी चोटें पहुँचाई हैं। इस पर इसने मुकदमा दर्ज करवाया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, इसमें 302, 307, 326, 324 IPC के अंतर्गत चालान पेश किया गया और जिसमें आज अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 2 श्री गंगानगर ने निर्णय सुनाया है। इसमें मुलजम रणवीर सेठी को धारा 302 IPC के अंतर्गत आजीवन कारावास।